रुवा देख रहा बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। सर, आपके गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता जो लगातार नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं, उनको AK-47 के आरोप में रखने के आरोप में फंसाया गया है और AK-47 का और भी कई मामला आ रहा है, इसके लिए आप लोग किस तरह से संघर्ष करेंगे? इसको हम लोग ये कहते हैं कि इसमें नीतीश कुमार जी की दुरंगना नीति है। अब दुरंगना नीति ये है कि जिस शख्स की बार कह रहे हैं, हमने सुना है कि 55 केसेज उन पर है, तो 55 केसेज बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले कहा है कि बाद में है देखना चाहिए, तो सभी केसेज लगभग एक दो केस छोड़ करके सभी पहले का है। और उस समय जब नीतीश जी के साथ है वो थे शख्स, तो आतंकवादी क्रिमिनल नहीं थे। और आज जब नीतीश जी के लोग के खिलाफ लड़े और उनकी पत्नी लड़ी, तो आज उनके विरोध में चले गए हैं और अनेक प्रकार की गैर वांछित कार्रवाइयाँ हो रही है। हमारा कहना है कि न्याय के साथ काम होना चाहिए, न किसी को फंसाना चाहिए और न किसी को बचाना चाहिए, और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत जाना चाहिए। लेकिन ये राजनीतिक प्रतिशोध के दायरे में आकर के ही ये काम जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं उनके प्रति हो रहा है, नहीं तो अगर सही न्याय की बात होती तो 19 का चुनाव जो हुआ बिहार लोकसभा का, उसके पहले ही सारी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। तो आपने सुना कि ये थे पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और जो कुछ भी ये कहते हैं वो काफ़ी सुर्खियों में रहती है। सबसे बड़ी सुर्खी ये है कि इन्होंने अपनी बातों को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा है और कहा है कि महागठबंधन एकजुट है, अगर नीतीश कुमार कोई कार्रवाई करना चाहते ही थे तो उससे पहले क्यों नहीं हुआ, 19 के चुनाव से पहले क्यों हुआ, अपनी नीति और नियत को बदलना होगा। फिर हम मिलते हैं किसी शख्सियत के साथ। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।